हेलो नमस्कार पंडित जी। हाँ जी नमस्ते जी। अभी मैं सबसे पहले आपसे कुछ कहता है, मेरे को आप मेरे पर सेम चंद बोला करिए, पर सेम मसीह मत बोला करिए। हाँ जी नहीं, मैं सॉरी सॉरी सॉरी। और मैं अभी नंबर जो बीच में मतलब मैं चंद निकाल के रखा था कि इस नंबर को मैं बहुत कम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब आप खुद जानते हो चीज को। और मैं अभी आपका कम परसेंट जो वीडियो देखे, तो मैं आपको उनकी कार्य प्रणाली से जाता हूँ चंगाई सेवा, उसका मेन फैक्टर मैं आपको आज आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले तो हम इलाका माफ करते हैं, करते थे, ठीक है। उस इलाके में जैसे हम कोई दवाई बेचने के लिए छोटी सी दुकान खोल दिया, मुफ्त दवाई बेचना, ठीक है। तो इस आड़ में हम कोई लालची आदमी ढूंढते थे, ठीक है। कोई लालची आदमी हो, जरूरतमंद हो, या वो कर्जे में डूबा हुआ हो, बहुत ज्यादा कर्ज डूबा हुआ हो, लालची हो, कोई अपराधी हो, कोई नशा करने वाला हो, उस आदमी को ढूंढ करके हम उनकी मार्किंग करके कि ये बंदे इस टाइप के, इनका ये घर है, वहां से अपना दुकान क्लोज कर दे सब। जब हमारे को बजरंग दल या किसी से धमकी मिलती थी, आप यहाँ से जाइए, बांटते थे हम, ठीक है। वो करने के बाद हमारे पास्टर को बंदों से मिलते, जो कर्जे में डूबा हो या नशेड़ी हो, इस टाइप का जो बंदा उनसे मिलते थे, उनको हम छोटा सा ड्रामा करने के लिए बताते हैं कि तेरा ये सारा खर्चा उतर जाएगा, तो छोटा सा ड्रामा करना है, ठीक है। वो ड्रामा क्या होता था कि उसको बताना है तूने अपने आप को बीमार शो करना, घर में बैठे सोते रहना, ठीक है। तेरे को पर मंथ में 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, 7-8 हजार रुपया, जिसकी जितनी औकात है, यानी कि कोई मजदूर होगा तो उसको 6-7 हजार रुपये में खा लेंगे, कोई मतलब बड़ा असामी होगा तो उसको 15-20-25-35 तक में देते थे। तो घर में सोते रहना है और ये बोलना कि मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, और तो हॉस्पिटलों में दिखाने भी जाता था, ठीक है। दिखाने जाएगा तो उसको ये आएगा कि मतलब भैया उसकी रिपोर्टें सर नॉर्मल आएंगी उसकी, ठीक है। लेकिन दुनिया के सामने पास पहुंच में हल्ला हो जाए, बहुत ज्यादा बीमार है बंदा, ही उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, ठीक है। फिर जब दुनिया में उसकी खबर लेने आएंगे, सुर्ख लेने आएंगे, सब कुछ आएंगे, फिर हमारे एक किसी ऐसे कन्वर्टेड की एंट्री होती है वहां पे, आप फलाने जी में पास्टर जी आ रहे हैं, वहां चिंगाई सभा हो रही है, वहां पे लेके जाओ उसे, ठीक है। तो वो बंदा वहां पे ड्रामा करेगा हमारे कहने मुताबिक, नहीं वो लोग तो ईसाई है, ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी परिवार वालों के दबाव डालेंगे, सब ड्रामाबाजी होती है, दबाव डालेंगे डालेंगे, वो अपने साथ 10-15 गांव के बंदों को लेके जाएगा, ठीक है। लेके जाने के बाद वहां पे क्या होता है कि वो एज इट इज, उसके बाद उसको मतलब 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक दिया जाता है। उसके बाद जब फाइनल ड्रामा खत्म होता है तो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक उसको दिया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है कि वो होली वाटर पढ़ाया जाता है, पास्टर ने नाटा पूछा बोला आला जी, तो मतलब टीचर समझ के गया था और चल के घर आ रहा है, हुआ तो कुछ नहीं होता, ठीक है, उसे हुआ कुछ नहीं होता। और फिर उसके बाद उसके साथ 10-15 बंदे आए हुए होते हैं, उनके दिमाग में ऐसा रही तो 6 महीने से बीमार था, ठीक है। एक माइंड की होती है, प्रोग्रामिंग होती है और कुछ नहीं होता। नंबर दो बात, अभी मैं आपको बहुत डीपली जो हमारे जब हम पास्टर बनते थे, हमारे को थोड़ा साइकोलॉजी के मतलब डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा होता है अपने ह्यूमन माइंड के अंदर कुछ केमिकल होता है, केमिकल का जो बैलेंस होता है, ठीक है। जैसे हम कुछ सोचते हैं कि कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर केमिकल होता है डोपामाइन, ठीक है। तो डोपामाइन, जब डोपामाइन का जो लेवल होता है वो लेवल कंट्रोल में रहता तो हम सही काम करते हैं, लेकिन जैसे डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारा दिमाग उन चीजों पर लगता चलना है। जैसे मान लीजिए आप, हम प्रोग्रामिंग किया हुआ, जैसे किसी ने आपको बताया तेरे को वो बंदा गाड़ी निकालता, जैसे कौन नहीं निकाल रहा है, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में बात करते हैं घर कर देगी आपको वो बंदा गाड़ी निकाल रहा है। तो जैसे हमारी सभा में हमारे चर्च में कोई आता था तो हम उसको क्या करते है, होली बैटर के नाम से डोपामाइन की गोलियां घोल के देते थे, ठीक है। तो डोपामाइन का लेवल बढ़ जाएगा, बढ़ने से बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा वो, ठीक है। जैसे बंदा डिप्रेशन में जाएगा तो फिर वो बोला, हम उसको बोलेंगे भैया तू अभी परमेश्वर की कच्ची राह में जा रहा है, तो तेरे झूठे दूरी देवता तेरे को तंग कर रहे हैं, ठीक है। ये पहले डोपामाइन का कमाल होता था, ठीक है। तो बंदा बोला इसका इलाज क्या है, उसको और ज्यादा डिप्रेशन में जान देते थे, ठीक है। और मेरे, मैं आपके संपर्क में आया तो मैंने इसलिए गर्भवती किया, और एक बार बताऊ 347 रुपया मेरे पहले दीदी कमाई, आज भी रखी, मैं आपके अकाउंट में डालना वो, ठीक है, ठीक है।
पहले दिन की कमाई मैंने आज रखी, फर्स्ट दिन मैंने 347 रुपया कमाया अपने मेहनत की कमाई का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डोपामाइन का लेवल बढ़ जाएगा तो उसमें बंदा डिप्रेशन में चला गया, या इसको मतलब दो चीजें दिखाई देंगी जो हमने पहले से प्रोग्राम कर रखी है कि तुम्हारे दो दिन तुम्हारे को तंग कर रहे हैं, तो जिस तुम्हारे को बचाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब हमारे पास आते थे तो हम उसको एंटी डोपामाइन बुप्रोफेन करके पैर ले जाती है, ठीक है। होली बैटर में जाके बुप्रोफेन उसको दे दे, डोपामाइन की लेवल वो कम कर देगी, लेवल में ले आएगी। लेवल में लाने के बाद क्या होता था कि बंदा ठीक हो जाता था, वो सारी दुनिया में होता देखा, ठीक है। जो उसके आस पास 10-12 बंदों को और बता देगा वो कि भैया मेरे साथ तो ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब इस तरह से चल रहा था इनका प्रोग्राम। और इनका मेन आपको मुद्दा मैं भी आपको बताता हूँ, इनका मेन मुद्दा ये है, ठीक है, कांग्रेस का राज इंडिया में आ जाए, ठीक है। कांग्रेस में अभी आपको बताऊँ, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ने उनका नाम दिया, हो सकता है वीडियो अपलोड कर दो, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगा। इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है, ठीक है, तमिलनाडु की 2-3 है, ठीक है। तो ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुके हैं, 60% लीडर लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट है, 40% है वो है कि जो सेकुलर की नाम है, जो जिनको थोड़ी बहुत अभी शर्म बची है जिनमें, ठीक है। तो 40% हुआ है, ये 40% जो है वो भी मतलब पैसे के लोग में नहीं चले हुए हैं। तो इनका मेन मुद्दा यह है कि मतलब पैसे जैसे कांग्रेस का शासन आ जाएगा तो कन्वर्ट के लिए पैसा आता है फॉरन कंट्री से, अभी आना तकरीबन बहुत मुश्किल हो गया है, आता भी उतना नहीं आ पाता, ठीक है। तो और हम देखो तो हम पात्र में बहुत सारे पात्र ऐसे सिर्फ पैसे के लिए पात्र बने हुए, पैसे के लिए और लड़की के लिए, ठीक है। हम पात्रों में बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जिन्हें अपना जमीन देख रखा है, ठीक है। और जो मतलब जिनको शाम को दारू चाहिए और लड़की चाहिए, बहुत सारे पात्र सिर्फ किसी के लिए, क्योंकि इसमें इतना खुला है, पूछो मत, इतना खुली छुट्टी है इसमें, ठीक है जी। तो ये उनके मेन ये फंडे हैं इनके, और कांग्रेस का शासन आ जाए तो मतलब इनको क्या है, खुली छुट्टी मिल जाती है, कन्वर्ट कराते हैं, जितना कन्वर्ट कराने पर भी पैसा मिलता है। अभी क्या पात्रों को खाने खिलाने पर रखे हैं, थोड़ा बहुत कांग्रेस का अनुदान इनको मिल जाता तो थोड़ा बहुत इनको चल रहा है, जैसे भीम सेना खड़ी किया है, ठीक है, भीम सेना को जो पैसा दे रहा है, जो आरक्षण पार्टियों को पैसा दे रहा है, ठीक है, आंदोलन उनमें से थोड़ा दखल करके अपना चला रहे हैं। इनको इतना नहीं रहा पहले वाला था, जैसे 2014 से पहले जो पैसा था बंदा, अब उतना पैसा नहीं रहा इनके पास, ठीक है। तो इसलिए कांग्रेस को रो रहे हैं ये कि दोबारा फिर से कांग्रेस आए तो हम फिर से ये काम कर लें। बाकी पंडित ठीक था, बाकी ठीक था जी, घर में कुछ मंदिर। हाँ बिल्कुल, आप सुनाइए, आप काफी दिन से वो धर्मवीर जी भी बहुत परेशान थे कि कहाँ भेज दिया आपने, मैंने कहा कि नहीं उसको तो सेटल हो जाए तो अपने आप मिलाएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है मेरे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप किसी प्रकार की कोई भी सुविधा असुविधा आप मुझे बताइएगा, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं आपके साथ, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। और जो पात्र आपको जो तमिलनाडु वाला पात्र एक उसका जो आपको फोन फान कर रहा है ना, ये तो इसने जब बोला नहीं सकते किधर गया, ठीक है। उसने कल बोला, उसने कल बोला कि ऋतिका मसीह को लात मार करके भगाया हमने। अरे कहीं बुलाया ऋतिका, ऐसा ना ऋतिका तंग आ चुकी थी, और एक्चुअली ऋतिका को देख के ही मेरी हमारी क्या लाइफ है, हमारी अच्छी है, कम से कम अपनी मर्जी की तो चलती है, बात करती थी वो, ठीक है। और मेरे को मैं बताऊँ, मैं आपको दिल की बात बताऊँ, मेरे से एक बहुत बड़ा पाप ये हुआ कि डोपामाइन की टैबलेट देते देते एक बंदे को ऐसी दो इतनी इतनी ज्यादा दो लोग डोपामाइन की दोबारा ठीक हो ही नहीं पाया, पागल हो गया वो, ठीक है। हाँ भाई, किसी का भला ना कर सको तो किसी का बुरा भी तो मत सोचो, ठीक है। और उसी समय अगर आपको कन्वर्ट करने का ज्यादा जोर है जी, मतलब भाई पंडित जी अगर हमारे साथ आ जाएगा तो मतलब पंडित जी आप हमारे साथ आ जाएगा तो मतलब हमारा क्या काम बहुत आसान हो जाएगा, तो हम ये कि मतलब बहुत ज्यादा बंदों को कन्वर्ट कर लेंगे। एक तो आप बार बार बोलते रहे मैं लाखों की तादाद में इकाई बना दूंगा, तो उनको थोड़ा और क्या लगता है पंडित जी आ जाए तो लाखों की तादाद में इकाई बन जाएगी। वो कल कल मेरे से कहा है कि आप बोलो, आप गवाही दो कि यीशु मसीह ईश्वर का इकलौता बेटा है। नहीं नहीं, गवाही किसके पास दी जाती है, ठीक है, गवाही दिया किसके पास जाता है, मान लीजिए मतलब मेरा और आपका झगड़ा होगा, तीसरा जो हम दोनों से बड़ा होगा उसके पास गवाही दी जाएगा ना, है, यानी कि हम दोनों मैं और आप झगड़ गए, तो जब के सामने गवाही देंगे ना जज हम दोनों से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब इशू नहीं होगा कि कोई बड़ा है, ठीक है, ठीक है जी।
तो वही कह रही है ना कि उससे भी कोई बड़ा है, ठीक है। और ये जो मतलब बता रहा था केन और हाबिल की स्टोरी बता रहा था, तो क्लियर बताता कि मतलब यहोवा जो खून और ये लहरा है, चर्बी लहरा है, उसका उसका भोजन क्या है, इससे पता चल रहा है यहोवा का भोजन क्या है। और यहोवा भोजन कर रहा है, खून और चर्बी खा रहा है, तो किससे खा रहा है, मुख से खा रहा है, उससे क्या मुंह भी है उसका, है यहोवा का मुंह भी है, ठीक है। ये गुरु जी है मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप बताइए, बहुत सारे लोग हैं आपके साथ जुड़े हैं, वो धर्मवीर ने कम से कम 20 बार मेरे से पूछे, पंडित जी आपने कहाँ उनको भेज दिया। धर्मवीर जी से मैं बात करूंगा बाद में, अभी मैं देखो मैं अपने आप सही सही समय आने पर, ठीक है, परमात्मा आपकी हिफाजत करे, बस मैं यही कर रहा हूँ। मैंने भगवत गीता ली ना, आपसे मिलने के बाद भगवत गीता लिया, तो भगवत गीता में मैंने कृष्ण भगवान का जो तो सबसे पहले तो हम लोगों को पाते हैं, वो तो विरासत में आपको मिला, जन्म से मिला वो चीज, वो ये लोग कहाँ जानेंगे, हमने नहीं पढ़ा था पहले, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद मतलब हम तो लोगों को ये बताते थे कि गीता में गोपियों को कृष्ण की रात लीला, तो उसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें तो अर्जुन को युद्ध में गए पुलिस है, ठीक है। और दूसरी बात, गीता में इतनी बड़ी बात मैंने दूसरे अध्याय में पढ़ी, ठीक है, दूसरे पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि आदमी को क्रोध क्यों आता है, आदमी क्रोध इसलिए आता है जब कर्म ही हो के अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है, वो सोचता है कि ये बंदा मेरा ये काम कर देगा, वो किसी कारणवश या जानबूझ कर वो बंदा उसका काम नहीं करता है, ठीक है, तो आदमी को गुस्सा आता है, ये उसकी कर्म ही का निशानी है, वो खुद कर्म नहीं कर रहा है, किसी दूसरे पर निर्भर हो गया, ठीक है, वो आदमी मेरा काम कर रहा है और वो आदमी किसी कारणवश जानबूझ के किसी कारणवश काम नहीं कर रहा है तो आदमी क्रोध आता है, ठीक है, किसी चीज के प्रति का मोह हो तो उसको क्रोध आता है, ये गीता में इतनी बड़ी बात दी है। और हम कहा घूमते रहे, अदन की गाटिका में सांप ने फल खा लिया, गधा चुरा लिया, ये हो गया, वहां से पेड़ को शराब दे दिया, पेड़ को शराब किसने दिया, अच्छा मरकुस का बाइबल का नया नियम, पुराना नियम और नया नियम बोलते हैं, नया नियम आता हूँ मरकुस के चैप्टर 11, ठीक है, उसमें एक वाक्य आता है कि यीशु जो है वो जाता था चेलों के साथ, ठीक है, रातों में यीशु को 11 से बचे वर्ष नंबर 11 से चोरा, यीशु को लगती है भूख, ठीक है, तो यीशु को भूख लगती है, तो उसने एक अंजीर का पेड़ देखा, तो जब नजदीक गया तो सिवाय पत्तों में कुछ नहीं पाया क्योंकि फल का मौसम नहीं था, ठीक है, तो फल का मौसम नहीं था, तो यीशु और उसके चेले में भूखे थे, जब उस पेड़ के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने उस पेड़ को बहुत बुरा बनाकर शराप दिया, ठीक है, कि जा आज के बाद तेरा फल कोई नहीं खाएगा, तू सूख जा, तो भूखे को नहीं खिला पाता। अभी यीशु परमेश्वर का पुत्र है, उसको ये पता नहीं जब फल का मौसम नहीं है तो कहां से फल लाएगा, ये तो वो बात होगी ना कि आपके साथ आपके साथ, ठीक है, ये चीजें है ना, तो मतलब ऐसा भी कई बार अभी आपको एक जो राम बाबू है तो इधर का, हाँ वो तो कल उस दिन उस तालकटोरा स्टेडियम में उसने दिखा था, वो कांड एक्चुअली वो जो तालकटोरा स्टेडियम में जो लेडीज को तैयार किया था, हाँ, हाँ। वो काम अधूरा था, वो मैंने करना था, ठीक है, उस लेडीज को मैंने तैयार किया था, ठीक है, समझे, बलिया की हरिजन है चमार, ठीक है, तो उसको मैंने तैयार किया था कि आप ये बोलना मेरे को सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, और उसके गांव में जाओगे ना तब भी मतलब सभी लोगों ने बोले उसको 6 महीने से सुनाई देना बंद हो गया था, ठीक है, तो मैंने तैयार किया प्रोग्राम मैंने देना था, लेकिन मैं एकदम बगले तो राम बाबू को मिला प्रोग्राम, तेने तो मैं और ज्ञानीचन कर रहे थे प्रोग्राम को, ठीक है ना, तो राम बाबू भी दिल्ली एरिया का मतलब वो है, दिल्ली एरिया फर्स्ट है वो, और आपको इनका इनका एक चक्कर है कि इनकी फिक्सिंग अगर आपसे हो जाए तो ये चाहते हैं कि एनडीटीवी इंडिया में दुनिया के सामने रजीश कुमार की मौजूदगी में आपकी डिबेट हो और आप उस डिबेट को हारो, मुझे बोला तो बोला है उसने, बोला इस पास्टर ने बोला है, एक ज्ञानचंद ने, अच्छा तो उस डिबेट को हारो और रजीश कुमार भी मतलब इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा आपको हराने के चक्कर में, फिर मतलब वो इसको बताएगा, फिर कम्युनिज्म वाली विचारधारा लाएंगे, रवि कुमार तो कम्युनिस्ट है,
साथ ही है, और कुछ भी नहीं कन्वर्टेड है, वो भी हमारे साथ है। अच्छा, रवीश कुमार ईसाई बन चुका है, ठीक है। बंगाली लड़की से शादी किया है उसने, वो ईसाई बन चुका है, ठीक है। इतना इतना मेरे पता है, और बहुत कांग्रेस के बहुत सारे लीडर है, तीन चार के तो नाम आपको मैं बताऊँ। एक तो तमिलनाडु से है, वित्त मंत्री रह चुका है, और दूसरा ब्राह्मण था तमिलनाडु का ही, और तीसरा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है, सब ईसाई बन चुके हैं, और एक मंत्री को वो ईसाई बन चुके, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका पूरा संरक्षण है, अभी जो भीम सेना भीम आर्मी वगैरह वगैरह चल रहा था, ठीक है, इनकी फंडिंग सारी इधर से चलती है। और अगर आप इसका अब तो आप बोल के बात करना, अगर वीडियो अपलोड भी करते मेरी बात का, तो ये मतलब ये बोलना कि एक पादरी जी ने घर वापसी की थी, ठीक है। मेरे पास अपना नाम प्रसेंट ले दिया, प्रसेंट टन जो बात नहीं होने जो हो जाता होने जो घर पर मैंने पता बताया सबको कि चला गया यहाँ से, ठीक है। और मेरे से ज्यादा बोले तू बता रहा है, तो मैं फिर निकाल के रख दूंगा, मेरा नंबर लगेगा फिर से ये, ठीक है, ठीक है। मैं सॉरी लगी जाता जरा, ठीक है। परमात्मा आपकी हिफाजत करे, और आपका दिखाया रहते आपका दिखाया रहते हुए मेहनत का खा रहे हैं, मैंने दिखाया रात का कुछ नहीं है भाई, आपके अंदर में प्रतिभा थी, आपने उस सच्चाई को जाना। ये किस्सा कहानी से किस्सा कहानी से बाहर आया, किस्सा कहानी आपके संपर्क में था, एक तो आपके संपर्क में आपको कन्वर्ट करना चाह रहा था, दूसरा रितिका जो है मतलब ये हो गई मतलब हिंदू बन गई, तीसरा हाथ पाँव से डोपामाइन की जाए टेबलेट के लिए तो बंदा परमानेंट पागल हो गया, वो मेरे को आप अपने आप को लग रहा है कि मेरा वो पाप, जैसे आप मुझे पाप नहीं भरना पड़ेगा, मेरे को सोचे तो मेरे को भरना पड़ेगी, मैं तैयार भरने के लिए गलती हो गई, मैं पता नहीं कितनी गलती किया है भाई। भगवान जब गीता मैं गीता पढ़ रहा हूँ, गीता में भगवान नहीं लिखा है तो कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा, बोले कौरव जो भुगत रहे हैं अर्जुन तो कुछ नहीं कर रहे, कौरव भुगत रहे हैं कर्मों का फल भुगत रहे हैं, तो मेरे को भुगतना पड़ेगा वही कर्म का फल, मैं एक शीला ठोक के मेरे को भुगतना पड़ेगा, मैं भुगतूंगा उसे, तो गलती हो गया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।